नियमितीकरण की मांग को लेकर 5 दिवसीय हड़ताल पर बैठे हैं 54 विभाग के कर्मचारी। वहीं अपनी मांग को लेकर प्रदेश सरकार को दी है चेतावनी। नियमितीकरण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सोमवार को 5 दिवसीय आंदोलन करने सभी 54 विभाग के कर्मचारियों ने दुर्ग के हिंदी भवन के सामने धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज उठाई। साथ ही प्रदेश सरकार से आगामी 26 जनवरी तक मांगे पूरी नहीं की जाने के बाद सभी जगहों के कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे काम बंद कलम बंद किए जाने की दी चेतावनी। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रियाएं दी। जो सरकार ने अपनी घोषणा पर आ रही है हमारी उसी को लेकर आज साढ़े चार कल बीच चुके हैं। सरकार की ओर कोई रुचि नहीं दिखाई जा रही, जिसके चलते हम अपनी अंतिम लड़ाई यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि सरकार 26 जनवरी को हमारी नियमितीकरण की घोषणा करे, और अगर घोषणा नहीं करते तो 30 तारीख से हम अभी यहाँ पे पूरा 54 विभाग के सभी संविदा कर्मचारी हमारा ये 5 दिन का अनिश्चितकालीन हड़ताल है, और ये 5 दिन में आज पहला दिन है हमारा, 4 दिन और है। अभी हमारे साथी इतने ही दिन रहे, लेकिन फिर प्रतिदिन हमारी पूरी संख्या इतनी आएगी कि पूरा भीड़ हमारे सामने इकट्ठा हो जाएगी, और सरकार को जो मांग है कि हम सामने आए हैं वो मांग को पूरा करने के लिए हम अपनी सरकार को विनती भी कर देंगे। और अगर 5 जनवरी के दिन हमारी मांगें पूरी नहीं करती है, घोषणा नहीं करते हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो 30 तारीख के बाद हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने के लिए विवश हो जाएंगे, और हम अपनी मांगों को लेकर डटे रहेंगे। मांग तो हमारी शुरू से चलती आ रही है, पूर्व में शासन था उसके पश्चात शासन के समक्ष भी हम लोगों रखा था, उनके द्वारा पूरा भरोसा दिलाया गया था कि आपको शासन सरकार के अंदर आपको नियमितीकरण कर दिया जाएगा, परंतु हमको 4 साल चल रहा है, फिर भी हमको सहमति नहीं मिली है, ना उनसे जानकारी पर जानकारी मंगाया जा रहा है। इसलिए इस 16 से 20 जनवरी तक जिला में आपको धंधा देने का पूरा हम लोग निकले हैं। हम लोग चौवन विभाग से करीब 1500 से 2000 की हमारी संख्या है, और हमारी हर मुख्य योजनाओं में सभी विभाग में अपने जो सब योजनाएँ शामिल हैं उसमें हम लोग का महत्वपूर्ण योगदान है। दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।